नमस्कार सतीश सकाळ एक फ्रेश एपिसोड को आपण समस्तंकु स्वागत करूछि मु निवेदिता मो सहित अछि मो सहयोगी नमस्कार मु चिन्मयी निहांती एतबे दर्शक बंधु प्रतिदिन सतीश सकाळे आमे विभिन्न प्रसंग आली थांती जो प्रसंग गुडीक विशेष करी बड़ खबर थाए जो खबर गुडीक विशेष करी खबर कागज रे शिरोनामा मंडन करी थाए चर्चित खबर थाए से सब खबर उपरे आमे प्रतिदिन आसी थांती आलोचना करता थांती अतिथि परवर्ती समय आम सहित जने थांती सतीश सकाळ को आहुरी सतीश करबा पई यारी मद्रा में हेडलाइंस मध्य पड़ी था कौन हेडलाइंस आसे तेबे नियति भाव रे चिन्मयी आमे दर्शकों को जणाई दबा जे आमे केउ केउ प्रसंग सब आमे आज नै छथि चिन्मयी आपन को अनुरोध करबे आपन देखुहंतु निश्चित भाव रे निवेदिता जे आमे जो खबर गुडी को नै छु ता भितरे जानि छथि जे गतकाली जे निष्पत्ति नै छि मंदिर प्रशासन जे 16 रो खोलिबो श्री मंदिर ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर टी रहि छि कारण विश्व प्रसिद्ध श्रीमंदिर 16 रु खोलिबा पई जाउछि भक्तों पई जेतु जेहेतु पूरा तीन मास धरी माने बंद थिला पूरा श्रीमंदिर भक्त माने भगवान को दर्शन कर पार्नथिले जेहेतु गोटे भल निष्पत्ति होइछि किंतु या भितरे कोन एसओपी जारी होइछि ताकु नै कि मध्ये आलोचना करबा या सहित रहिछि जे खास करिकि आपण जानि छथि जे पैटलेट पई डहळ बिकळ डेंगू रोगी वर्तमान डेंगू जेतेबे राज्य रे गाय विस्तार करूछि कोरोना गोटे पटे चिंता बढ़ाऊ बेले आ गोटे पटे डेंगू वर्तमान समस्त चिंतार कारण पलटि या भितर डेंगू हेले जमी नॉर्मली पैटलेट बॉडी रो कमी जाए ताकु नेकी वर्तमान समस्ते चिंता प्रकट करिसेंती जे पैटलेट कोठू आसीब कारण रक्त जो माने बा डोनर जो माने रहिसेंती ब्लड डोनर से मानको वर्तमान सरकार अपील करूछेंती जे ब्लड देबा पई समस्ते आगे आसंतु कारण पैटलेट रो अभाव देखा दे छि या भितर आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर रहिछि जे अरुहा पहाड़ रो 3 सौरात रे 33 कोटी टंका रो राजस्व क्षति होइछि धर्मशाला तहसील रे टेंडर फिक्सिंग 4 मास परे भी निलाम होई पारु नाही खादान माफियां को पई सहन मेला 100 कोटी टंका रो राजस्व लूट होछि एक गुरुत्वपूर्ण खबर रहिछि आसित रहिछि ओडिसा स्पंज उपरे 5 कोटी रो पानी बिल बाकी रहिछि कारखाना बंद बेले बाकी थिला 44 लाख ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर एवं या सहित रहिछि परिमल नारे पौरपालिकार हरिलुट मन हेला गढ़िले बिल परे भांगी देले ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर रहिछि या सहित रहिछि समस्त जानिछथि जेंति टोकियो ओलंपिक्स रे स्वर्ण पदक पई वर्तमान लढ़िबे रवि कारण जो रेसलिंग रे वर्तमान से फाइनल सेमीफाइनाल को जाइछंती एवं को सेमीफाइनाल रे वर्तमान समस्ते आशा रखिछंती जे रवि पूरा स्वर्ण पदक भारत को देबे कारण वर्तमान जदि देखिबे टोकियो ओलंपिक्स रे भारत जदियो रौप्य ब्रोंज पदक हासिल करिछि किंतु आज पर्यंत स्वर्ण पदक हासिल करि नाही जाहाकु नै कि पूरा सारा देशवासी नजर रहिछि या सहित रही भारत को जो आउ दुई पदक लवलीना कथा मध्य आउ गोटे खबर कागज रे मध्य प्रकाश पाई छी चिन्मयी आपण कहथले जे पूरा के को खबर आमे आलोचना करबा एवं सब खबर को नै आमे विस्तृत भाबे आलोचना करबा आम रिपोर्टर माने मध्य रहबे आरी बदले से माने हमको किछि अपडेट मध्य देबे तबे प्रथम खबर चिन्मयी आमे नै छथि जो खबर न्याति भाबरे जो भक्त जो सदा रोइछथि ताको आश्वस्ति आनि देबो काईकिना दीर्घ दिन धरी से माने अपेक्षा करथिले टिके महाप्रभु को निज सो चक्षु रे महाप्रभु को दर्शन करबे काईकिना वर्तमान दीर्घ दिन धरी महाप्रभु एवं भक्त मध्य गोटे बाड़ सदृश छिड़ा होती कोरोना महामारी यारी मध्य जो निष्पत्ति गत काली नियाजाइछि जे आसंता 16 तारीख रु श्रीमंदिर खोलिबो एवं जो श्रद्धालु माने आत्र नन रे चाहि बसिछंती महाप्रभु को टिके सानिध्य लाभ करबा पई से माने मंदिर जाय महाप्रभु को दर्शन करबे किंतु या पूर्वरु कटकणा कण सब रहिछि सीधा सक आलोचना करबा हम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष सीधा सक हम सहित पुरी रु जोडी छंती आलोक दीर्घ दिन अपेक्षार अंत घटी कहुपे जमी आम जानते बारंबार मंदिर खोलुच्छे एवं कटक आसूरी कटक मध्य मंदिर बंद रोच पुणी थे कटक कौन अच्छी 16 तारीख रु मंदिर खोलुच्छी कौन सब कटक रही कौन कटक मानवा को पड़ो जो श्रद्धा जी मंदिर और श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष कौन निष्पत्ति निजाई बाबद देखो निवेदिता दीर्घ दिन प्रतीक्षार अंत घटा जाऊँ जो छतीसा निजोग गत काली मोहर मरा जा आसंता 16 तारीख रु श्रीमंदिर खोल आसंता 16 तारीख रु जगार दर्शन भक्त श्रद्धा मैंने करेंगे कितु प्राथमिकता दि जाता पूरी सहरवासी की आपड़ जानते रथजात्रा जो भाव पूरी सहरवासी अकुंठ सहयोग समर्थन देखेले भित्त करके प्राथमिक भित्ति में 16 तारीख रु 20 तारीख पर्यटन अर्थात 5 दिन पर्यटन पूरी सहरवासी की दर्शन प्रथम सुविधा मिले तापर 21 तारीख और 22 तारीख
जेहेतु सप्ताहांत सटडाउन रोच शनिवार रविवार श्रीमंदिर बंद रीमंदिर को सानिटाइज कर 23 तारीख ठीक सर्वसाधारण दर्शन व्यवस्था उन्मुक्त रस्त दर्शन व्यवस्था महाप्रभुंर करेंगे कितु कटक रही आपड़ जानते पूर्व भाई जो भाई भाव में कटक रही है 4 दिन भितर कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नचे टीकार डबल डोज नहीं प्रमाणपत्र देखेबे तो निश्चित भाव में यही कटक बलबत्तर रही जो भक्त श्रद्धा मैंने आसवे से पूरी बासीदा हूँ कि 23 तारीख ठीक उन्मुक्त रर्वसाधारण समस्त डबल डोज टीकार प्रमाणपत्र नचे कोविड नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जहाँकिपर 4 दिन भितर रही तो निश्चित भाव में यही व्यवस्था को लेकिन समस्त खुशी अच्छा कहीं आप जानते एप्रिल मस 24 तारीख रू श्रीमंदिर बंद रही करोनार द्वितीय लहर पर कि समस्त महल दावी थी श्रीमंदिर यथाशीघ्र खोल जाऊ श्रीमंदिर खोल श्रीमंदिर खोलने सहित भक्त भगवान दर्शन एक महामिलन हम यह सहित जो सब व्यवसायी गुड़िक रही है व्यावसायिक अनुष्ठान गुड़िक रही खुशी व्यक्त करते से फूल दोकानी कथा कहतु बलिता दोकानी कथा कहतु दीप दोकानी भोग दोकानी एम बर्तमान खुशी व्यक्त करते कि या भितर आलोक आदि देखा कि समस्या उपजी पाए जो कथा कह खासको वयस्क व्यक्ति कथा कहतु और छोट पा खासको जो मैंने रही 10 वर्ष तौक से बर्तमान कोविड गाइडलाइन र जो गाइडलाइन जारी करा जाई छी या भितर तांकु मना होई छी जे सेमाने मंदिर परिसर को जिबे नाही ये मध्य अभिभावक पय एक चिंतार कारण जे पिलांकु सेमाने केउठी छाडी कि जिबे पिलांकर दायित्व के नबा आ जदी अभिभावक जाउछंती खास करी समस्तक पय वर्तमान आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो कथा कोआ जाउछ जे 24 घंटा रो रिपोर्ट देखाइबे आ जदी देखिबे आपण 24 घंटा बा 4 दिन रो रिपोर्ट ये कोठी ना कोठी व्यतिक्रम घटिबो कि एथिरे देखो राज्य सरकार कोविड जहाँ गाइडलाइन निवेदिता रही है आपड़ जानते जनगहलीपूर्ण रास्ता हो विभिन्न धर्मानुष्ठान गुड़िक हो 65 वर्ष ऊर्ध व्यक्ति जापर ना 10 वर्ष कम पिला जापर ना और गर्भवती महिला जापरें ना से परिप्रेक्षी में गतल 36 जग बैठक स्थिरीकृत हो 10 वर्ष कम पिला जापरें ना निश्चित भाव में ये गोटे संवेदनशील प्रसंग कारण जो राज्य बाहर हो कि जिला भितर जिला बाहर जो भक्त श्रद्धा मैंने महाप्रभु को दर्शन करेंगे से मैंने निश्चित भाव से पिला जी जो पिला बयस 10 वर्ष कम रही है तो सेमाने रहिबे केउठी सेमानक पई कोन व्यवस्था करा जाय परबे सेमानक तो छाडी की ताको बापा माने होतु परिवार लोक तो श्रीमंदिर जाय परबे नै तो सेमानक पई कोन विधि व्यवस्था करा छै तो निश्चित भाबे श्रीमंदिर प्रशासन मध्ये एहा पर ध्यान देबा आवश्यक किंतु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होछि निरिता आज पुरी शहर किछि व्यक्ति विशेष होतु श्रद्धालु होतु सीधा सडक प्रश्न उठै छथि जदि आमे पुरी बासिंदा जदि आमे प्रत्येक दिन महाप्रभुंकर मंगल आरती रात्र पहुड पर्यंत तमाम नीतिकांति दर्शन करू तबे आमे कोन प्रतिदिन प्रति 4 दिन थरे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दबु कि आमे कोन कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रति 4 दिन थे खर्चांत तो हो कि तो निश्चित भाव में यही प्रश्न समस्त को आंदोलित करूँ आपड़ जानते 18 रु 45 वर्ष जो व्यक्ति विशेष अच्छा से प्रायतः द्वितीय डोज टीका नहीं ना डोज टीका देखते से अवधि 84 दिन बर्तमान सुधा पूरी ना और 16 तारीख को 84 दिन अवधि पूरी नथिबो तो से किभली भाव महाप्रभु को दर्शन करेंगे यही बर्तमान पूरी शहर विरोधाभास देखाई तो निश्चित भाव रही आलोक तो प्रशासन कम से कम क्लीयर करने दरकार जो प्रश्न उठू पूरीवासी हूँ कि साधारण लोकटे हूँ जो प्रश्न मन में उंके मार्च प्रशासन क्लीयर करने दरकार जेहतु आमक पेसेंस रखा दरकार जेहतु स्थित सेमती किसी रही है बाध्य प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष पूरी प्रतिनिधि को तो लाइव जोड़ी बाबत आलोचना निश्चित भाव में तेज निवेदिता आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही है आप जानते बर्तमान राज्य में डेंगू काय विस्तार करबद देखिए खासकर खोर्धारु जदि आप देखिए पखापाखी 400 रु ऊर्ध बर्तमान सुधा डेंगू रोगी चिन्हट हेले ये कथा बर्तमान पौरपा भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन एक स्वीकार करथ्य रखी किंतु या भितर सब गुरुत्वपूर्ण कथा जे जो मैंने डेंगू रोगी था साधारण लक्षण यह देखा जाए जे से गुरुतर अवस्था को ये जाती जो बॉडी जो पैटलेट रही रक्त से पैटलेट जो कमी आसे से रोगी सीरीयस हो जाए जहाँ रोगी को अनेक समय मृत्युमुख को ठेली दिए बर्तमान राज्य सरकार चिंता बढ़ुची जे पैटलेट्र अभाव रही पैटलेट पर डहल विकल होती डेंगू रोगी तबे कथा आसुची जे ये पैटलेट को केमती संग्रह करसंगृहित पैटलेट समुद्र को संख्या कारण जी अच्छी से मात्रा रे रोगी का संख्या जो देखिए अधिक तबे कथा आसुची जे विभिन्न हॉस्पिटल रे 6 वर्ष है पड़ रही मेसीन आउ कथा आसुची या भितर जो मैंने ब्लड डोनर रही से माने केते इच्छुक प्रकाश करुछंति कारण जदि डोनर का संख्या बढ़े ताहले प्लेटलेट कथा जो सामना को आसुची जे ये संख्या बढ़िबो बा रोगी मानको पई गोटे प्रकार आवश्यक
आवश्यक पूरण हो पार कि बर्तमान समस्त चिंता जे प्लेटलेट कौठ आसब तबे एने की आलोचना करबा हम सहित चिन्मयी जोड़ी होती भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि चिन्मयी खास करी जदि देखा जाए जेतेबेले डेंगू रोगी प्लेटलेट कमुची ए कथा सरकार आगुरु मध्ये जानिछंति आउ जेतेबेले कोरोना कथा कहबा जदियो नुआ की आसीथिला महामारी विषय सेमती किसी सिम्टम्स किसी जनापड़ ना समस्त नुआ नुआ प्रत्येक दिन नुआ नुआ तथ्य आसूला कितु डेंगू तो नुआ नुहे जितेबाला डेंगू व्यापिला सरकार कहीं पूर्व प्रस्तुति आरंभ कर बर्तमान कहते जे अपील करुँच ब्लड डोनर मानक जो ब्लड दिंतु खासकर सरकार एथपाई किसी जमती से प्रोत्साहित करने केमती सचेतनता दिज्व लोक मैंने केमती ब्लड डोनेट करेंगे अधिक रु अधिक ये बाबद सरकार कौन सी कार्यपन्थ आपणई ना खाली बर्तमान जिते बाहर से बैगण रुआ भली बर्तमान व्यतीव्यस्त हो भावे चिन्मय जी कह दिनक दिन ये महामारी भितर डेंगू रोगी संख्या भुवनेश्वर बढ़िवार लगी जदि कह काली बुधवार शेष सुधा 761 जन राजधानी डेंगू रोगी चिन्हट होती काली 48 जन रोगी चिन्हट होती डेंगू रे तो कैपिटल हॉस्पिटल कथा कह प्रथम कथा है बेड्र अभाव अच्छी प्रथमतः बेड बढ़िया को पड़ो जदि डेंगू रोगी मुख्य समस्या हूँ रक्त तो प्लेटलेट्र अभाव प्लेटलेट अभाव हेल्ले रोगी मृत्युमुखर पड़ो कि कैपिटल हॉस्पिटल जोटा कि राजधानी सबुठ बड़ हॉस्पिटल जोटा कि दुईटी तीनो डिस्ट्रिक्ट्रु लोक कैपिटल हॉस्पिटल उपर निर्भर करती कैपिटल हॉस्पिटल कथा जदि कह 10 रु 15 प्लेटलेट दिनक संग्रहित हो पारे प्रथम कथा है प्लेटलेट दवापाई लोक निज आड़ इच्छुक हवा दरकार कोरोना समय मुख्यतः लोक मैंने हस्पिटाल आसवाक डरुंच स्वेच्छाकृत भाव में जब लोकों भितर लोक आसी दिखती प्लेटलेट ताल प्लेटलेट्र अभाव रही किंतु कैपिटल हॉस्पिटल जेहेतु भुवनेश्वर कैपिटल हाँ चिन्मय कहतु निश्चित भाव में निवेदिता चिन्मयी सहित बोध हुए जोजोग विच्छिन्न होती किंतु खास करी चिन्मयी जो कथा कहते जे प्लेटलेट्र बर्तमान जिते अभाव देखा जाते ब्लड डोनर माने निज तरफ से इच्छुक हे ब्लड देवाई से राज्य प्लेटलेट्र समस्या रही कि वास्तविक कथा आसुची जे सरकार एथिपाई केते प्रोत्साहित करिछंती जो माने डोनर ब्लड डोनेट करती लोक मान जनसाधारण को केते प्रोत्साहित करिछंती कौन सब कार्यपन्था आपणईछंती केते लोक को सचेतन करा जाइछी ये दिगरे जदि जीरो कार्यक्रम रही सरकार जदि कौन काम करना स्वाभाविक प्लेटलेट्र अभाव देखा जाव आपण जानते बर्तमान एमती सिचुएसन जे डेंगू रोगी बर्तमान बेड मिलूना जो कि अनेक रोगी बर्तमान प्राइवेट हस्पिटाल जाठार चिकित्सा बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय आपंकर तमाम सूचना पाई तेबे निवेदिता आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही बर्तमान जेहेतु टोक्यो ओलंपिक्स चली या भितर अनेक भारतीय से स्थान पाई खेलवापी जहाँ आम देखीचे जे पी भी सिंधु कथा कहतु मीराबाई चानू कथा कहतु अनेक भारतीय महिला सेठे खेली ब्रोंज पदक रौप्य पदक ये सब हासिल कर भितर आउ एक आशा बर्तमान उज्जीवित होते बड़े रवि कथा कहुची कारण रवि बर्तमान समस्ते पूरा चाह बसी रेसलिंग में केमती से जो सेमिफाइनाल पहुंची सारी आउ खास करी फाइनाल को जब बेले सी सब पूरा देश स्वर्ण पदक वर्तमान आशा प्रकट करुच्ची जहाँ को लेकिन लवलीना कथा जी कह लवलीना ब्रोंज वर्तमान बॉक्सिंग रे जिते बड़े रही खास करी सेमिफाइनाल बर्तमान आशा करू एक पदक भारत को दे पारती ये बर्तमान समस्त मन में रही कि आशा करे समस्त रवि कुमार दहिया पूरा राज्यवासी भरोसा करते रवि कुमार केमती खेलुंट केमती प्रदर्शन करू कौन से पदक देखते भारत को या पर समस्त नजर रही एने की आलोचना करवा सुशांत आम सहित जोड़ी होती सुशांत आज खेल केमती दमदार रहा बर्तमान रवि दहिया सारा भारतवासी नजर
निश्चिंत भाव चिन्मय आपत देखु जोबले भी जो वेट जो कैटेगोरीटा रही 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग जो कैटेगोरी रही से कैटेगोरी सी प्रमुख दाबीदार थे जोबले भी टूर्नामेंट आरंभ होता से वन टाइप अफ फेवरेट थे तेणु यही दृष्टि देखा गले आपड़ देखिथे मैच गुड़ी से जो भाई भाव डोमिनेट कर खेली अंपक्षर सेमिफाइनाल मैच देखिथे जो काजस्तान खेला विपक्ष में चमत्कार टैकल से करते आपड़ देखिथे एकदा से दुई सतरे पछर थिला बेले किंतु से हटात कमबैक करथिले एवं विजय लाभ करथिले एई दृष्टि देखिया को लागिले नियति भाबे एई जो विजयटी से हासिल करचेंती सेमीफाइनल जे बहुत स्कोर पछर थाई कि जो वापस आसी कि जो विजय हासिल टी से करचेंती तेनो नियति भाबे तांको उपरे नजर रहइबो तेनो आज जो तांकर फाइट अछि आमे मध्ये आशा करचू एवं समग्र देशवासी मध्ये आशा करचेंती जे रवि कुमार दहिया एई इवेंट रे किछि करिश्मा करि देखंतु एवं भारत को सोनो जितांतु जानिबा पई चाहे बुझे जते बेले रवि कुमार फाइनल रे एंट्री करूचेंती तांको सहित किए रहिबे जे बा तांको सहित कहार टक्कर रहिबो एवं तांकर परफॉर्मेंस सुति देखिबा केमति थिला पूर्वरु देखंतु तांको सहित जे रहिबे से होचंती इरानियर इरानर रेसलर रहिबे आपण जानिचंती इरानर जो रहिची जातीय क्रीडा तांकर रहिची फ्री स्टाइल रेसलिंग नियति भाव आप देखिथे 86 वर्ग कथा कहा जाऊ कि 57 केजी वर्ग रेसलिंग कथा कहा जाऊ सबुठी ईरानियन को दबदबा रही आपत जानते दीपक पुनिया जी कि 86 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग रे भारत को रिप्रेजेंट करुचंती आपत देखिथे जोबले वर्ल्ड चंपिशिप होता दीपक पुनिया सब मैच जीति जाती जाते कि फाइनाल जड़े ईरान रेसलर ठू हारिक सिल्वर मेडाल संतुष्ट होते नियति भाव जेहेतु ईरानियर रेसलर सब हेवी रही तेणु यही दृष्टि मैंने देखा पड़ो सहित से माने टेक्निकली बहुत साउंड था तेणु भावे कह गए गोटे कड़ा मुकाबला हम बोली आम आशा करवा अंपक्षर दीपक पुनिया जी कि सेमिफाइनाल मैच रे पराजय बरण कर आज तांकर मुकाबला रही सी ब्रोंज पदक पड़िया को ओह्लैबे तेणु आम आशा करुचु सी ब्रोंज पदक हासिल करूँ बोली आम आशा करवा से आपड़ देखिथे जो रही 57 केजी महिला वुमेन कैटेगोरी रही फ्री स्टाइल रेसलिंग से अंशु मल्लिक जी कि पूर्व पराजय बरण करते आज पराजय बरण करने जो अभियान सी शेष कर झील भारत को ब्रोंज पदक देखते लवलीना कथा कहवा जदि सेमिफाइनाल हारी कि ब्रोंज पदक पुणी थे भारत को देखते पूरा टूर्नामेंट देखु लवलीना बार्गोहेन जी कि प्रथम आसाम आसामी खेला जी कि ओलंपिक रे प्रतिनिधित्व करुचंती राज्य पाई एवं आम देश पाई कह गले गोटे बड़ गर्वर कथा एवं आप देखिथे प्रथम रु जब सी एंट्री करते बहुत धमाकेदार एंट्री करते क्वार्टर फाइनाल से जहाँ को परास्त करके सेमिफाइनाल को जाते सी कह गले वन टाइप अफ तर जो कैटेगोरी रही से कैटेगोरी प्रमुख दाबीदार रही है और समस्ते आशा करते सी गोल्ड मेडल जितने बोली अंपक्षर विपक्ष में जो दमदार प्रदर्शन करते लवलीना निहाती भाव समस्ते सब आशा करते लवलीना फाइनाल को जी और भारत पर स्वर्ण जितने मात्र से जोबले तुर्की तुर्की बक्सर ठार्व पराजय बरण करेंगे भारत पाई जो माने रही थे भारत झील सी वर्तमान भारत को अनेक पदक कौटि ना कौटि जदि देखा सेमिफाइनाल को जाते सेमिफाइनाल पराजय किंतु भारत को आउ गोटे पदक सहित से माने जोड़ी बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आपंकर तमाम सूचना पाई वर्तमान जहाँ बड़ खबर आसुची टोकियो रे इतिहास रचला भारतीय पुरुष हॉकी टीम जर्मानी को हराई ब्रोंज पदक जीति भारत जर्मानी को 5-4 गोल रे हराई बड़ सफलता हासिल करिछि टीम इंडिया खेल आरंभर मात्र 2 मिनिट रे प्रथम गोल करिथिला जर्मानी यहाँ पर 70 मिनिट रे सिमरनजीत सिंह गोल करी मैच को बराबरी स्थिति को आते 24-25 मिनिट रे बैक टू बैक गोल करिथिला जर्मानी किंतु 3-1 रे पछुआ भारत कम बैक करिथिला 27 मिनिट रे हार्दिक सिंह और 38 मिनिट रे हरमनप्रीत सिंह पेनाल्टी कर्नर रु गोल करिथिले तबे हाफ टाइम बेलू उभय टीम 3-3 रे मैच बराबर रही 31 मिनिट रे पेनाल्टी स्ट्रोक रु गोल करिथिले रुपिंदर पाल सिंह यास भारत 4-3 रे आगुआ हो जाइथिला 34 मिनिट रे सिमरनजीत मैच रो द्वितीय गोल करी भारत को 5-3 गोल रे आगुआ करथिले तबे 48 मिनिट रे जर्मनी आउ एक गोल करी मैच को 5-4 को आनिथिला 1980 रे शेष थर पई भारत हॉकी रे पदक जितथिला तबे ए बाबद रे अधिक आलोचना पई वर्तमान न्यूज रूम रे जोडी होचंती हम सहयोगी कमलाकांत जोडी होचंती कमलाकांत आउ एक बड़ खबर आसी पहुंचिला भारत पई खुशी रो कथा
जे पुरुष हॉकी टीम आज ब्रोंज पदक देछि भारत को निहाती चिन्मयी वर्तमान भी छाती धड़धड़ कारण जो लास्ट 6 सेकेंड रही है सेत भी जर्मानी को पेनाल्टी कॉर्नर मिलता भारत पर जो आशा थी 40 वर्ष अपेक्षा था पुणी थे लागूला भय भय निहाती भाव में क्रीड़ा प्रेमी जो मैंने मन में भय थी जे पुणी कौन हो गला किंतु आज भारत को सफलता मिली 1980 पर प्रथम थर भारत को ब्रोंज पदक मिली पुरुष हॉकी टीम रु बड़ खबर आसूँ टोक्यो चकदे इंडिया देखा मिली जहाँ अपेक्षा थी 4 दशंधि धरी आज पूरा हो गोल्ड नहले नाई ब्रोंज पदक जीति शक्तिशाली जर्मानी टीम कराई भारत ब्रोंज पदक जीति आदि आज मैच को देखा प्रथम मात्र 2 मिनिट्रे भारत गोल खाई कम बैक कर आज जो भाई भाव में भारतीय टीम प्रदर्शन करा निहाती भाव भारत जो हॉकी रे पदक मरुड़ी रही है निहाती भाव वर्तमान 40 वर्ष पर पूरण हो भारत आज ब्रोंज पदक जीति पूरा कांटे की टक्कर देखा मिलता पूरा शेष सेकेंड पर्यंत संघर्ष जारी रखी भारत टीम जदि जर्मानी कथा देखा तेज मात्र 6 सेकेंड जो से जर्मानी को पेनाल्टी कॉर्नर मिलता भारतीय क्रीड़ा प्रेमी हिसाब से गोटे खेल प्रेमी हिसाब से मो मन वर्तमान भी मो छाती धरधर हो भारत पदक जीति पारे देखी इंटरेस्ट रही खेल को लेकिन कमलाकांत सब गुरुत्वपूर्ण क्या जेहेतु राष्ट्रीय खेल हिसाब से हॉकी स्थान पाई या भितर समस्त मन में गोटे उत्कंठा था जे अन्य जेको खेल आथलेटिक कथा कहतु समस्ते जदिओ पदक हासिल करकी कौन कर दल या उपरे सारा भारत नजर थी आ सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जदिओ फाइनाल को दल जाता कि ब्रोंज पर जिते बड़े खेली समस्त कन्फ्यूजन रही खास कर दल केमती प्रदर्शन कर निहाती देखो 1980 शेष थर पर पदक जीति लंबा अपेक्षा सबुथर भारतीय हॉकी टीम रु भारतीय मैंने आशा रखी था पदक जितने किंतु से अपेक्षा दीर्घ दिन हेला रही थिला एवं जापान रे वर्तमान जहाँ जर्मानी को हरेला कारण जदि देखिबा बेल्जियम सहित हार वर्तमान भी आम जमती आम कथा जे आशा थी भारत पदक नहीं कि फेरब वर्तमान जर्मानी को जो भाव में हरेला इतिहास रचिला प्रति भारतीय आज खुशी होते कारण ए अपेक्षा भारत राष्ट्रीय खेल जहाँ कुछ आम गर्व करूँ अनेक दिन धरी आमको खुशी हबार मौका मिलू नाला किंतु दीर्घ वर्ष पर अपेक्षार अंत हो आज जर्मानी को भारत हराई जो भाव में प्रथम भारत पछुआ था एक दिन रे पछुआ थिला बैक टू बैक गोल कला तापर पुणी लीड कला एवं जर्मानी वापसी करी 5-4 मध्य स्कोर आनीला शेष 6 सेकेंड पेनाल्टी कॉर्नर मध्य मिलता किंतु भारत भारतीय खेलाड़ी ठीक भाव खेली थिले एवं डिफेंडिंग करथिले एवं शेष 5-4 रे गोल वर्तमान भारत हॉकी रे पदक जीति ब्रोंज पदक जीति 1980 पर भारत पाई इतिहास रचिबार जो सुजोग थिला भारत पदक सहित वर्तमान भारतीय पुरुष हॉकी दल फेरिबो एटा गोटे प्रतिटी भारतीय पाई वर्तमान गर्वर विषय जदि भारतीय पाई गर्वर विषय कमलाकांत हम सहयोगी दास न्यूज रूम हम सहित जोड़ीले खुशी देखा जड़े क्रीडा प्रेमी हिसाब से बेस उत्साहित बेस खुशी आटा स्वाभाविक जेहेतु आम भारतीय टीम गोटे जिते विजय लाभ कर समस्त खुशी खबर तो सुशांत साहू रिपोर्टर बाबद टेक्निक अपडेट आमको जो दौरान से आम सहित जोड़े सुशांत टोक्यो इतिहास रचना भारत पुरुष हॉकी टीम को गोटे बड़ सफलता मिली निम समस्त गर्वर विषय निश्चय देखु निवेदिता आम हॉकी रो स्वर्णम युग आम हॉकी रो स्वर्णम युग आम जहाँ रही आम भली युवपीढ़ी ता देखी ना किंतु आमर बापा ओजा ठार् आम ये घटना शुणी था जो एर्ली 90 फेज रे जो भारतीय हॉकी ऑल वर्ल्ड को डोमिनेट करता किंतु जो भाई भाव आप देखुं टोक्यो ओलंपिक रे भारत पुरुष दल का कथा कह कि भारत महिला दल का कथा कह जो भाव से मैंने डोमिनेट कर खेलुं जो मैंने शक्तिशाली दल गुड़ी परास्त करूँ लगुच जो भारत जो स्वर्णिम हॉकी युग था हॉकी रो युग पुणी फेरी आसी भारत ओलंपिक रो पुरुष हॉकी दल रो एटा होची 12 नंबर मेडल पूर्वर भारतीय हॉकी दल 8 थर स्वर्ण जीति गोटे थर रौप्य और 2 थर ब्रोंज जीति सारी और वर्तमान को मिसाई 3 थर ब्रोंज जीति ब्रोंज जीति 1968 मसीहा 1972 मसीहा ओलंपिक रे भारतीय हॉकी दल ब्रोंज पदक जीति वर्तमान जहाँ को मिसाई तृतीय थर पर भारतीय दल ब्रोंज पदक जीति आप देखिए पूरा टूर्नामेंट रे केवल ऑस्ट्रेलिया विपक्ष मैच को छाड़ दे कि अन्य सब मैच गुड़िक भारतीय पुरुष हॉकी दल कौली भाव प्रदर्शन करता केवल आप देखु ऑस्ट्रेलिया विपक्ष मैच रे 7-1 पराजय बरण करता अन्य पक्ष अन्य सब मैच गुड़िक देखु भारतीय दल कौली भाव प्रदर्शन करता सेमिफाइनाल बेल्जियम सहित एकदा भारतीय दल टक्कर दौला आप केवल शेष क्वार्टर को देखु शेष क्वार्टर में जितेबाद भारतीय दल पराजय बरण करता केवल सहीटा को छाड़देले अन्य जो तीनो क्वार्टर देखु भारतीय खेला मैंने कौली भाव लड़े करते तेणु यही दृष्टि लगुच निहाती भाव भारतीय खेला मैंने से कह गले सेमिफाइनाल सीना हारी किंतु गोटे पदक जहाँ भी हेल्ले हकदार थे निहत भाव देखो
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା ହେଲା, ଜର୍ମାନୀ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦଳ, ସେମିତି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡର ତିନି ନମ୍ବର ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଭାରତ ତିନିରେ ଥିଲାବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଠ ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅଲମ୍ପିକରେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀ ଚାରି ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ମୁକାବିଲାଟି ବହୁତ କଡ଼ା ଥିଲା, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଯେତେ ମୁକାବିଲା ରହିଛି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର କଥା। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 1980 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହକିକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ହକିକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲେ, ଯେ ଖାସ କରି ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। କମଳାକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହଯୋଗୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ରୁ। କମଳାକାନ୍ତ, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାସ କରି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ଆଜି ଏ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ କଥା କହିବିନି, ପୁରା ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆଜି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଥିଲା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା ଶେଷ ମୁମେଣ୍ଟରେ, ଯେମିତି ଭାରତ ସଦାବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ୱାପସି କଲା, ପଛୁଆ ଥିଲା, ତାପରେ ଲିଡ୍ କଲା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ମାନେ ସଫଳ ହେଲା। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଯାହାର ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପଦକ ଜିତିପାରୁନଥିଲା, 40 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାହା ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ତ କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ କହିବିନି, ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ଆଜି ଖୁସି ଥିବେ, କାରଣ ଜାପାନରୁ ଏ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଏ ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଥିଲା, ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କମାନଙ୍କ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଭାରତ କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ଏ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କମଳାକାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍କୁ ବା ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଛୁଟୁଥିବ, ଖାସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ନିବେଦିତା, ଯେମିତି ସତେଜ ସକାଳରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସତ୍ୟ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ମୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସର। କ'ଣ ରହିଛି ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଆପେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ, ପୁରୁଷ ହକିରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, 5-4 ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହକିରେ 1980 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଦୁଇଦିନ ହେଲା 1300 ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 1342 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ, ସେପଟେ 68 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କିଲର ଭାଇରସ। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପଡ଼ୁଛି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଦିବସ, 15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ ମୋଦି, ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଓ 35 ଉଚ୍ଛେଦର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳନ, ଘାଟିକୁ ଫେରିଛି ଶାନ୍ତି, ପଥର ମାଡ଼ ଓ ଗୁଳି ଛାଡ଼ି ବିକାଶର ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଣିକି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା 2.0 ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରି। ଅଗଷ୍ଟ 16 ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, କଟକଣା ମାନି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜିଠୁ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି, ରାତ୍ରି ଯାପନ ଉପରେ ରହିବ କଟକ। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେବେ କି ପ୍ରବାସୀ, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ସଂକ୍ରମିତ।
तेज चिन्मयी प्रतिदिन सत्य सका आम जन जन अतिथि को डाकि अतिथि को नहीं अनेक चर्चा आम सहित करतीगत वृत्तिगत जीवन को नहीं आम अनेक चर्चा करम सहित आज जी अतिथि अच्छा से बहुत स्पेशल ना ही काफी कहीं समस्ते जानते समस्ते चिन्ह बेस परिचित से कंठशिल्पी आम सहित अच्छा आज कंठशिल्पी अरशिष पाणी जी कि आम सत्य सका अतिथि अरशिष आपण को सत्य सका स्वागत करेंगे प्रथम और जानवा को चाहिए केमती अच्छा मु बहुत भल अच्छी नमस्कार समस्त को आपण माने केमती अछंदे बहुत भल अछु ओके मु बहुत भल अछि आशा करछि हमर व्यूअर्स माने बहुत भल अछन समस्ते ओके अरसिस प्रथमे कोन तो जे तो सत्य सकाळ रा आजि होछंदे आपण अतिथि केमती आगो फील करछंदे बहुत भल लागछि माने मॉर्निंग इज ऑलवेज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे मुसरा माने एंड मॉर्निंग जो एनर्जी थाए बढ़िया मैंने शोर का अपन नाटा बहुत बढ़िया कि सतेज सकाळ एंड दैट शोज द एनर्जी ऑफ द मॉर्निंग एंड इतने बढ़िया शोर मत डाकि मत बहुत गौरवान्वित मत मन हो थैंक यू ओके अरुषिष आउ गोटे कथा हो जे अपन दीटा डोज टीका नहीं छंती ना नहीं हाँ निश्चित ओके निहांति जेहेतु सिचुएसन ही सेमती आम समस्त को वैक्सीन नाक पड़ो और आम समस्त अनुरोध करवा समस्ते वैक्सीन ही दियंतु कहीं ये ही गोटे अस्त्र आम समस्त को कोविड सहित मुकाबला करने अरुषिष आम जी आप विषय जानचु आपण बापा संगीत गुरु संगीत शिक्षा दे आपण भी शिष्य केबे ठारु आपण संगीत जगत को आसिले एवं केबे आपण ए सब प्रति आपण को इंटरेस्ट पढ़ला ओके गोटे एग्जाम्पल देवी जोड़ा कि मत आपण को बुझे सुविधा हम आज्ञा अर्जुन पुओ अभिमन्यु सीए माँ पेटर थी विद्या पाई सेमती मु केबे ठू तो जानी जब मोर मैंने सेन्स आसी मुझे संगीत शिक्षा करुच्ची सब वाले घर घरे संगीतर माहौल थाए से जिनस मु बहुत पिला बेल शुणी शुणी आसी जानी के शिखी बट चली मो चेता आबू शिखि चलती ओके तेब अरशिष जानवाक चाहबू जे आम जी जाचु जे आपण बापा संगीत गुरु माँ जड़े कवि लेखती लेखा को आप गोटे नुआ परिचय दिखती आपण कंठदान मध्यम गोटे गीत आपण शुणा को चाहबू आम सत्य सका आहरी सतेज कर हाँ आपण को आज पूरा कार्यक्रम गीत ही गायबाक पड़ो जेहतु आम दर्शक मैंने अपेक्षा करपण को मोर गीत शुणाप माँ का लेखा उपर मुझे गजल स्वर करी हिंदी गजलटे तार बेस्ड ऑन मैंने राग मारवा और शिवरंजन थी क्लासिकल बेस्ड था तो एमती थी तार स्वरटा छलकते आंसू बहा न सके छलकते आंसू बहा न सके दर्द क्या हम भूल गए दर्द क्या हम भूल गए दिल की बातें क्या सुनाऊं दिल की बातें क्या सुनाऊं तुम बेदर्दी हो गए तुम बेदर्दी हो गए छलकते आंसू बह न सके
बहुत ही सुंदर थिला आपण को कठरे से मिठास अछि ज्योति पई आपण एते जल्दी एवं एते आपण सचरे समस्त को मन जीति पाछंती सब प्रति घरे घरे परिचय लाभ करछंती तबे अरुष आ गुटे कथा जानबा को चाहिबु जेते बेले आपण संगीत शिक्षा करथले आपण को पिता ही आपण को सिखाई छंती जेतु तांको से मध्य ब्रेस प्रतिष्ठित अनेक बड़ बड़ कलाकार मध्य तांको ठारु गीत सिखि छंती आपण को केबे सेति की कष्ट होइनि जेते बेले बापां को ठारु सिखिबा जेतु गोटे बापो पो को भीतर गोटे बॉन्डिंग थाए सेटा केबे रिफ्लेक्ट हेइनि जेते बेले आपण गीत सिखुथिले तांको पाखे गोटे कथा मु जोडा बहुत भल पाए कि बापांकर शिक्षा दान समस्त पाए समान माने गोटे पिला गोटे निज पुओ को जेतिके शिक्षा दान करिवे बाहर लोक मैंने जी आसे शिक्षा सामान तो मुझे बहुत भल पाए कि बापा एमती ना कि मो पुओ बेसी शिक्षा दान देवी अन्न मैं से ना कि सत कथा कि मोर से सौभाग्य कि बापा घरे सब मुझे देखे तो जितने गुणगुणु था मुझे सहित मिसी जाए तो संगीत माहौलटा बहुत निश्चित भाव में आरोसीस गोटे गुरु नेचर ऑफ वर्क एमती ही होगा दरकार जे समस्त से समान शिक्षा दान करेंगे जो देखा आरोसीस आपण को क्लासिकल वॉइस ऑफ ओडिशा कहतु क्लासिकल वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाए कहीं आपण वोकल म्यूजिक को बहुत सुंदर भाव में अर्जित करी जानवापी चाहबू जी खास कर संगीत दुनिया रे पूरा शेष पर्यंत पहुँची ना आउ किछि सिखिबार मध्ये बाकी रही जाइछि बहुत किछि सिखिबार बाकी अछि बहुत किछि मु एले आई मीन बिगिनिंग फेज मु भाबे एंड बहुत सिखिबार अछि मन संगीत गोटे असरंती भंडार जोड़ा बापा सबले सिखे सिखि आछन्ति आमे टिके 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 करि माने बूंद बूंद करि आमे टिके टिके सिखि सिखि जाउछु तो बहुत सिखिबा बाकी अछि ओके और जैसे आउ गोटे कथा आपण आई टी सेक्टर में जॉब करते सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाव तेबे हठात आई टी सेक्टर संगीत जगत को बाछिबा एवं केते डिफिकल्ट थिला से समय रे काहे कि ना साधारण तो आम जानते आई टी सेक्टर रो ढेर पैसा मिलता है वर्तमान समय आपण भावुंट कि मानने जो डिसीजन आपड़ नहीं जे आई टी सेक्टर को छाड़ी जॉब को छाड़ी संगीत को सीधा सख क्लिक करवा गोटे बड़ चैलेंज आपण आप चैलेंज को सफल भाव क्लीयर कर एक आप कह हाँ निश्चित भगवान को आशीर्वाद बिना तो किसी हमने मुझार 2016 जब मुझे जॉब छाड़ थी से बेठू मु फुल टाइम म्यूजिशियन हिसाब से मु मैंने क्लासिकल म्यूजिक रे मोर मास्टर्स करी मु पीएचडी करुची एंड मुझे संगीत शिक्षा भी दौर क्लासिकल शिक्षा आउ एज ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मत बहुत जगह मत मैंने गायबार सौभाग्य मिलुची गोटे बड़ा डिफरेंस है मोपाई मैंने पैसा निहाती जरूरी मैंने डे टू डे लाइफ में जरूरी बट गोटे सैटिस्फैक्शन था गोटे सब आर्टिस्ट सब बेसी दरकार होची सैटिस्फैक्शन कि जदि मु मो इच्छा अनुसार मु संगीत को टाइम दे पारुची मु टिके रियाज कर पारुची मु सारा आईटी थिला बेले मु करि पारुथली एंड मु बहुत अनुतप्त होतली कि नाही मते टाइम मिलनी रियाज करया पे एंड भगवान मते जहाँ देइछंती भगवान को ना को मोमेंट तांको लगे मु ताको काही देली एंड सी त निश्चित भाव में अरुष सब गोटे काम जितने सैटिस्फैक्शन मिले से काम को आहुरी सुंदर करी हुए और से दिगरे सफलता खूब शीघ्र आसे जी अरुष जानवाक चाहबू खास करी जेतु आप क्लासिकल सिंगर वोकल म्यूजिक रे खूब पारदर्शिता अर्जन करछंती या भितर वर्तमान जी किसी गीत को नहीं आप देखिए लिरिक्स कथा कहतु एवं गीत गायबार शैली की देखूँ ये सब को लेकिन आप कौन अनुभव करोटिना कौटि गीतटा जो स्तर रे रहबा कथा से स्तर रु किछि तळ को खसी आसु छी कि नै विभिन्न आर्टिस्ट कर विभिन्न शैली अछि त केही खराब न केही भलो नहुते सेमति त नै आ हां लिरिक्स टिके एपर्ट पर हेलाल को अमुटे कॉमन को कष्ट लागे किंतु मु या कहबी कि मिका सिंह भी गोटे सिंगर अरिजित सिंह भी गोटे सिंगर एबे मिका सिंह को पई अरिजित सिंह को करियर खराब होने कि अरिजित सिंह को पई मिका सिंह को माने करियर खराब होवार नै एक्जाक्टली तेज अरुष जानवा को चाहबू जमी आप कहते लिरिक्स टी खटकिले आपको समस्त को खराब लगे खास करी ओडिया को कथा जी कह आम ओडिया गीत जिते शुणु से हिंदी इंग्लीश ये सब जो मिक्स हो जाए से अनुभव करती कमी लगे ओडिया भाषा के रिच के बहुत प्रशंसनीय
बाहर लोक पछे जानिपारछन्ती ओडिया लोक से जिनसटा धीरे धीरे कमी जाउछ कि सेमाने हमर भाषार रिचनेस टाको बुझी परना तबे अरुष सा गोटे कथा जेमति म सहज के चिन्मय कहथले जो गीत वर्तमान समय रे गीत तयारी करा जाउछ जोथरे कि हम ओडिया भाषा को जति कि गुरुत्व दबा कथा सेतरे हिंदी इंग्लिश को मिक्स करा जाउछ प्रकृतरे हम ओडिया भाषार को सेमति शब्द नाही जो का जहा को के व्यवहार करा जाय पारुनी एवं लागुचि कि आम केवल ओडिया भाषा को नहीं सेतिकी भल गीतटी हो पारिबनी जोतपई अलग लांगुएज को मध्य एथरे सेतिकी प्रायोरिटी दिया जाउछ आपनको लागुचि केमते ना नाही सेटा मु देखिछि मु भी निजे गाइछि मते एम्ति मो सौभाग्य कि मते सेमतिया कंपोजिशन मिलछि जोरा कि पूर्णांग भाबे ओडिया र लेखा अछि एंड या हे जे कि आम डे टू डे लाइफ रे आमे कथा हेला बेले भी आमे बहुत सारा इंग्लिश वर्ड यूज करू तो सेठू धीरे 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 लोक इंग्लिश हिंदी सब करके करछंती आ किंतु ता बोली मन जो पूर्णांग ओडिया गीत भी एग्जिस्ट करछे सेटा भी आपण माने बहुत सुनले भल पाइबे नियाति और उससे आमे बहुत कथा मध्य लेने आगु को आहुरी कथा मध्य रहिछ आपण सहित कथा बपे आमे जानि छथि कि आपण अनेक कवर सॉन्ग मध्य गाइछंती आ बे सुंदर मध्य लागो छ आमे जदि YouTube को जाई देखंती अनेक कवर सॉन्ग आपण कर अछि गुटे गीत सुनिबा को चाहिबो कवर सॉन्ग ओके मोर फर्स्ट कवर मु जडा करथली सेटा मु आपण सामने रे गायब चाहली ओके सेटा थला ABCD टू रा चुनर सॉन्ग जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई बहुत सुंदर थिला रसी सीरियसली माने जेतेबेले गीत सोडी जेतेबेले गीत जणे गांती ताको जे अनुभव करंती सेतेबेले गोटे माने त भीतर फील आसी जाय से गीत कोने गोटे फील आसी जाय बहुत सुंदर आपण गाउचंती आ कवर संग आपण को कंठ रे बेस सूट करछ मध्ये तबे रसी सा गोटे कथा आउछ जानबा को चाहिबु जे विशेष कर आपण मां को ऊपर मध्ये गीत जेतेबेले गाउथिले जे बापा एवं बांक भितर सपोर्ट कहार अधिका मिले काहेकि ना बापा कथा छाड़ू नो डाउट जो आप गीत शिक्षा करते सी जो ए जगत में अच्छा कम से कम संगीत को से मध्य बेस भल भाव बुझुथे माँ को सपोर्ट केमती कौन मिले माँ का सपोर्ट तो मुझे भी बेले बेले मत लगे बापा सपोर्ट अपेक्षा मानते बापा एज ए गुरु तो बहुत सपोर्ट करती किंतु माँ का सपोर्टा बहुत बेसी माने जब मु जॉब छाड़े डिसीजन नहीं थी सब मुझे आसिक प्रथम माँ को कही माँ कहली मुझे माँ भल लगुनी मत रियाज कर पारनी तो सीए मत कह ठीक अच्छे तू जदि चाहूँ तो सी जहाँ अच्छे कर तापर मुझे बापा को कहली बापा दि भाग थे लाइक एज ए टीचर ही वाज हैप्पी कि ठीक अच्छे एवं सी फुल टाइम म्यूजिशियन हो चाहूँ बहुत खुशी थे बापा हिसाब टिके डर भी था कि पुआटा एत बढ़िया चाकरी छाड़ी एवं स्ट्रगल कर केमती कौन हम तो ही वाज डिवाइडेड बट माँ का फुल 100% सपोर्ट था हाँ क्या सब बड़े कहा जाए जे माँ मैंने बेस पुह मान ही सपोर्ट करती आस भल पाती माँ पुह का बंडिंग सब बड़े भल था और आग को मध्य अनेक कथा आलोचना करवा कि बर्तमान समय कार्यक्रम गोटे छोट ब्रेक र ब्रेक पर
स्वागत आम सहित सतेज सकाल आज अतिथि अच्छा अरसिस पाणी जे कि जड़े कंठशिल्पी आती घरे घरे से लोकों निकट में पहुंची लोकों निकट तो रही संगीत मध्यम अरसिस पुणी थे फेरबे आपसिस आप गोटे गोटे गीत शुणा को तो इच्छा अच्छी कितु आपच्छ क्या जानवाक इच्छा अच्छी ना तेरे अरसिस बापा जड़े संगीत गुरु संगीत शिखे आपठू शिक्षालाभ करमती आपण को स्कोप मिली कि चान्स मिली कि बापा सहित स्टेज सेयार करने गीत गायबी गीत गायबार सुजोग मिली कि आप मत मिली मुंबई गोटे क्लासिकल फेस्टिवल थिला एंड बापा भी थिला एंड मोर थिला एंड से बापा साइड बस बहुत सारा जुगलबंदी बंदिश भी बहुत सारा गाई तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था अच्छा निहां भाव जेहतु नर्भसनेस केमती थी कहीं बापा सहित संगीत गुरु गोटे अलग परिचय समस्त रेस्पेक्ट करेंगे पुओ हिसाब से सहित स्टेज सेयार करवा डिफिकल्ट ना कि नर्भसनेस कि ना मन नर्भसनेस तो रपा हिसाब तो ना बट मैंने व्वेन आई वाज थिंकिंग कि सैड में बस कि गाँच तो इट वाज वेरी बिग डील एंड टिके नर्भस जहाँ भी थी बट दे बापा फीलिंग ऐसे लग बहुत जल्दी ही सारी इतना और ऐसे साहूरी कुड़े कथा अच्छी अपन ठर जानी बापा इसे कथा तो सुनी पो किंतु आउ कुटे गीतो अपन को कंठरो सुनी बाको जो हिंपो जोटा अपन को फेवरेट ओके मते ओडिया गीतो भी बहुत बढ़िया लगे तो ओडिया रबो ते मु गीतो गाऊ ची जोड़ा की बहुत फेमस ओडिया ये रे दीन बंधु एही श्री छामूरे हे हे दीन बंधु एही श्री छामू श्रीरंगा चरण सेवारे मो मन श्रीरंगा चरण सेवारे मो मन रही थाउ निरंतरे हे दीन बंधु एही श्री छामूरे बहुत ही सुंदर थिला अरसिस आपण जो भी सॉन्ग गाउछंती सेतिरे सेतिकि माधुर्य रहिछि आपण जेमती कवर सॉन्ग गाई सुनाउथिले एबे एबे जो भजन आपण सुनाउथिले निहांती जगन्नाथ संस्कृति उपर आधारित जगन्नाथ उपर आधारित बेस सुंदर थिला अरसिस आ गोटे कथा जानबाक चाहिबु जे जेतेबेले आपण गीत सिखिले एवं विशेष करी जेतेबेले वर्तमान समय रे जहां स्थिति संगीतर जे आपणको लागुछि कि संगीत को जड़े पेशा करी आगो को जाई पारिबो सेतिकि प्लेटफॉर्म वर्तमान समय रे मिलुछि कि एवं जड़े रोजी रोटी करी पारिबो संगीत को निश्चित निश्चित आज्ञा आग अपेक्षा मते जेतिकि आमे जानिछु माने एबे संगीत इंटरेस्ट बहुत बेसी कॉमन लोक भितर आसी एंड आगुरु टिके लिमिटेड था लोक मैंने कहते कि नहीं पाठ संगीत सब साइड रहा कथा पैशनेट पैशन हिसाब रहा कथा प्रोफेशन करा कथा नुह बहुत कम जन प्रोफेशन कर पड़ते बट आज बहुत मानने खुशी खबर कि आज आजिका डेट्रे पेरेन्ट्स मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग मैंने जेकोस आर्ट्स है संगीत है डांस है सबुत पिला आग को आने चाहते से प्रोफेशन करने इनकरेज ऑनलाइन माध्यम रे मध्य स्टेज लिमिटेड ना वन इफ ए सिंगर वांट्स से जिनस को सी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत सारा प्लेटफॉर्म अच्छी जो थे कि तार टैलेंट को निश्चित भाव वर्तमान समय रे वर्तमान गोटे ओपन प्लेटफॉर्म मिली जो कि निजो टैलेंट को आपण प्रदर्शित करेंगे तेज जी जानवाई चाहिए अरसिस जो वॉइस ऑफ ओडिशा सीजन वन आप एक्सपीरियंस केमती मोर सेकेंड रियलिटी शो था लाइक फर्स्ट मुझे वॉइस ऑफ ओडिशा गोटे बहुत बढ़िया लगे कहीं गोटे बढ़िया बॉन्डिंग होता है समस्त भितर एंड टॉप टेन जाए गोटे
सारेगामर तो मुझे एक्चुअली टी राउंड टॉप 100 पर्यंत जाई टॉप 50 पर्यंत जाई पनतली तो जेतेबेले टीवी सामने आसली तो से कैमेरा सहित आम गायबा एंड जजेस रहीकि कमेंट्स दबा से बहुत अलग एक्सपीरियंस था एंड बहुत बढ़िया लगता है निश्चित भाव में गीत गायबा सहित कैमेरा फ्रेंडली हे गोटे गोटे बड़ चैलेंज से जानवाई चाहिए खासकर जितेबाला गोटे कलाकार कथा कहतु से जेकोसी क्षेत्र में हो सी तार कम कर चले जाने केत माइलेज मिल कितु आपण काम भितर कौ गीत आपको अधिक माइलेज देखो गीत आपको अधिक फेमस कराई मोर प्रथम परिचय तो सब गोटे शास्त्रीय संगीत मान शास्त्रीय संगीतज्ञ हिसाब से एंड मोर गोटे मु गई राग गुजरी तोरी गोटे मुझे बंदिश गाई जोटा कि मत बहुत समस्त भल पाई आहित जो मैंने मत सिंगिंग वर्ल्ड रे बहुत जन जान से जान कि मु प्लेबैक वर्ल्ड रे मु केके गीत बहुत भल पाए बड़ भक्त मु तार मोर गोटे कवर मु करी गोटे मु कवर करी तू ही मेरी शब है नहीं जैसे गीत तो सुनने को चाहे पर से नहीं जतले अपन कहि सालेनी तो हमें नहीं आती ऐसे गीत सुनवा को चाहे ओके तू ही मेरी शब है सुबह है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहां है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए मैं हूं तेरा लम्हा कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा हो खूब सुंदर थी आरोसीस खास कर गीतर जो पार्टी रही ओ जो आप खूब सुंदर लगला पुणी थे चिन्मयी जेहेतु आज सतेज सका अरोसीस आसिले आम सका आहरी सतेज कले जेहेतु समय आमको वाइंड अप तो करने पड़े अरोसीस सीरीयसली आहरी अध घंटा एक्सटेंड करने इच्छा हो कार्यक्रम को आपंटे गोटे गोटे गीत शुणा तो इच्छा अच्छी कितना जेहेतु समय आमको वाइंड अप देवा पड़े तेणु बहुत बहुत धन्यवाद आप आसे आम सहित सतेज सका आप किसी मेमोरी सेयार कले कि आउ गोटे शेष गीत शुणा को चाहिए जो गीत आप त्रिरंगा को नहीं गई शशांक शेख सहित से गीत हमें कार्यक्रम को नियाते सारी बाकी चाहे तो आगो को अगस्त 15 मध्य आसु छी आज्ञा आज्ञा टिकट के माने छी म टिकट चेष्टा कर छी लड़ी जा पछ को न चाही हे जा देसर तू सा रक्त मगुची तो जन्म माटी छाती रे भरी देनिया नुआ सूर्य स्वप्न को नहीं नुआ सूर्य स्वप्न को नहीं रंगी दे तिरंगा लड़ी जा पछ को न चाही हे जा देसर तुसा रक्त मा